बारिश से तबाही की सबसे खतरनाक तस्वीरें मणिपुर से आई, जहां भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी कैंप के पास एक लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों की संख्या 80 से ऊपर पहुंच चुकी है। इसमें टेरिटोरियल आर्मी के 18 जवान भी शामिल हैं। यहां रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा था, यह यूनिट उसी की सुरक्षा में लगी थी जब यह भयानक हादसा हुआ। After the Avalan 7-year devices, the landslide me, we are losing 81 people's life. But out of this 81, we are able to rescue 18 people, including territorial army. सैनिकों और मजदूरों को मलबे के नीचे दबे हुए 4 दिन हो गए हैं। उनके जीवित बचने की गुंजाइश बहुत कम है। कई टन मलबे के नीचे दबे शवों को निकालना बड़ी चुनौती है। Our soil is so soft and even we could not pass through the heavy vehicle inside. So that is the problem. मणिपुर में भूस्खलन वाली जगह पर असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक टेरिटोरियल आर्मी के 13 जवानों और 5 आम नागरिकों को बचाने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी 12 सैनिक और 26 सिविलियंस लापता हैं। मलबे में दबे जवानों और सिविलियंस का पता लगाने के लिए सेना वॉल पेनिट्रेशन राडार तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान घरों या अन्य किसी जगह की दीवारों के पीछे आतंकियों की लोकेशन का पता लगाने के लिए इस राडार का इस्तेमाल किया जाता है। यह राडार दीवार के पीछे स्टैटिक और मूविंग टारगेट का पता लगा पाने में सक्षम है। इस राडार को अब मलबे के नीचे दबे सैनिकों और बाकी लोगों का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। सेंसर मशीन भी लाए जो लद्दाख में ले में काम करते हैं, जो ऑन डेप्थ इसको ढूंढ सकते हैं बॉडी को। ये मशीन एक डॉग की व्यवस्था भी किया, जो उसका स्पेशल ट्रेनिंग है, जो अंदर को कम से कम 5-7 मीटर 10 मीटर नीचे जो है कोई बॉडी, उसको भी पता कर सकते हैं। कई जगह में गैस सिलेंडर मिला है, वो गैस सिलेंडर मिलने के बाद उनको पता हुआ यहाँ कोई घर हो सकता है, तो यहाँ से पौधे का बॉडी मिला है। वहाँ से कपड़ा मिला 2 साल के बच्चे को, तो इसके लिए वो सोचा है इसके अंदर आओ कुछ मिल सकते हैं और बॉडी मिल सकती। सैनिकों के शवों को बागडोगरा लेकर आया गया है, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। हम आपको बताते हैं कि भूस्खलन क्यों होता है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूस्खलन की घटनाएं तब होती हैं जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर मौजूद सामग्रियों की शक्ति पर भारी पड़ता है। ऐसी स्थिति बारिश, बर्फबारी, जल स्तर में बदलाव, भूकंप या ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से होती है। कुछ खास क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा ज्यादा होता है, जिन इलाकों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इंसानी गतिविधियों के कारण सतह के ऊपरी हिस्से में वनस्पतियों का विनाश हुआ हो, खड़ी ढलानों या घाटियों के तलहटी वाले क्षेत्र, इंसान की वजह से ढलान में आया बदलाव, धारा या नदियों के किनारे वाले क्षेत्र, बारिश के कारण ऊंची सतहों के किनारे वाले क्षेत्र पर भूस्खलन ज्यादा होता है।